एनडीए उम्मीदवार के साथ अगर समझौता की अगर बात होगी उस परिस्थिति में क्या करेंगे आप सोच कैसे लिया आपने ऐसा? ऐसा अगर हो तो योगी अखिलेश्वर दास ऐसा सपने में भी नहीं सो सकता है और ईश्वर के सिवा कोई माई के लाल दूध नहीं पिया है कि मुझे समझा दे। आपकी लड़ाई किससे? लड़ाई बाहरी बनाम है, बाहरी भगाओ शुगर बचाओ, वो लवली आनंद जी भी हो सकते हैं और वो राजद का जो उम्मीदवार आएंगे वो भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी कैंडिडेट आएगा लड़ाई में उसको मुंह से लड़ना पड़ेगा। जैसे आप सभी जानते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, था और आगे भी रहूँगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लोगों में यह संशय बना हुआ था कि बाबा जी क्षेत्र में घूम तो रहे हैं लेकिन चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन आप सभी के माध्यम से आज मैं यह क्लियर और कन्फर्म और आश्वस्त कर रहा हूँ कि मैं चुनाव निर्दलीय लड़ रहा हूँ और बहुत ही मजबूती के साथ मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा अभियान किसी पार्टी के विरोध में नहीं, बाहरी भगाओ शिवहर बचाओ, शिवहर का बेटा ही शिवहर का नेता होगा क्योंकि शिवहर ने बहुत नेताओं को दिया है, पंडित रघुनाथ झा जी हो गए, हरिकिशोर सिंह जी हो गए, नौरुल हक साहब हो गए, सीताराम सिंह जी हो गए, रामदुलारी सिन्हा जी हो गए, अनेक नेताओं को शिवहर ने दिया। शिवहर नेता विहीन नहीं है कि अन्य पार्टियों का बाहर नेता को यहाँ पर लैंडिंग करके टिकट देना पड़े, इसलिए हमारी लड़ाई बाहरी भगाओ शिवहर बचाओ, शिवहर के राष्ट्रवाद के लिए, शिवहर के विकास के लिए, शिवहर के हित के लिए। इस बार जो बाहरी पार्टी है सोच लेता है कि बाहर से लाकर मैं कैंडिडेट उतार दूंगा और वो चुनाव जब चल जाएंगे, तो इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं आप सभी के माध्यम से, मैं सभी से मतदाताओं बंधुओं से शिवहर लोकसभा क्षेत्र के, जहाँ तक आपकी आवाज़ जा रही है, जहाँ तक आपको लोग देखेंगे चैनल के, वहाँ तक अनुरोध करता हूँ कि आप सभी ने बार बार दलियों को चुनाव दिया, चुनाव वोटिंग किया है, आपने बार बार दलियों को चुना है, इस बार निर्दलीय एक महात्मा को चुनिए। एक महात्मा आपके बीच में आया है और आज नहीं, चार वर्षों से लगातार मैं क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूँ। मेरा विजन क्या था यह भी पता है, सेवा करने की एक लक्ष्य को लेकर, सेवा करने की भाव से लेकर मैं आपके बीच आया हूँ और इस बार आप सभी मन बना लीजिए कि एक महात्मा को देना है, आपके यहाँ के लोग नेता को जो चुनते जो बाहर से आए उनका बेटा बढ़ेगा, उसका पुत्र बढ़ेंगे, उनकी पुत्री बढ़ेगी, वो मजबूत होंगे, लेकिन जब बाबा आएगा तो शिवहर मजबूत होगा, शिवहर के हर एक जनता मजबूत होगा और शिवहर के विकास के लिए कार्य होगा।